हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी टॉपिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायो के 60 क्वेश्चन। सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, SSC, UP पुलिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। राइट आंसर है फलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। राइट आंसर है शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। राइट आंसर पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। राइट आंसर है यीस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में नर प्रजनन अंग होता है। राइट आंसर है ए पुंकेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। राइट आंसर है ए अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में बहु द्विखंडन होता है। राइट आंसर है अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। राइट आंसर ए पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है। राइट आंसर है डी फेलोपियन नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। राइट आंसर है सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है। राइट आंसर है बी सितारा मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है। राइट आंसर है उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती हैं। राइट आंसर है आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। राइट आंसर है ए हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। राइट आंसर है बी यीस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है नहीं है। राइट आंसर सी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोष में होते हैं। राइट आंसर है परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर है मादा युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। राइट आंसर है असुरक्षित यौन संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर राइट आंसर हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। राइट आंसर अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर है प्रांकुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। राइट आंसर है डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। राइट आंसर है नर एवं स्त्री दोनों जनन अंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। राइट आंसर है ए नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। राइट आंसर है शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर है दो। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। राइट आंसर है सी युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं। राइट आंसर है बी अधिव्रसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। राइट आंसर है सी निकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। राइट आंसर है पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। राइट आंसर है बी 18 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। राइट आंसर है व्रसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। राइट आंसर है बी स्त्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। राइट आंसर है सी मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। राइट आंसर है सी पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने या गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है कायिक विधि का, जिसमें उसके तने को काटकर
पौधे को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीला थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं। राइट आंसर है सी गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। राइट आंसर भ्रूण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा गर्भकाल का समय कितना होता है। राइट आंसर है 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। राइट आंसर है 2 से 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। राइट आंसर है भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। राइट आंसर है ए जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन कितने प्रकार से होता है। राइट आंसर है ए 2 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। राइट आंसर है डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। राइट आंसर है मुकुलंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोष में पाए जाते हैं। राइट आंसर है पराग कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। राइट आंसर है बी अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। राइट आंसर बी पराग कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं। राइट आंसर बी फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं। राइट आंसर सी बीजावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। राइट आंसर शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। राइट आंसर है ए जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व को अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। राइट आंसर है बी 14वें दिन। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। राइट आंसर है डी टाइफाइड। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।